हेलो गुड मॉर्निंग। और काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, है ना। तो हाँ यार चैनो चो विसरी चो यार दे। तो देखो जा रहे थे और अपना फ़ोन ही भूल चुके हैं, अच्छी बात है। और एक बार फिर से ना रूम पे चलते हैं, अपना फ़ोन लाते हैं और फिर तो आंसू आया था श्रीनगर। और क्यों आया था, वो पहले भी आया था, वो वाला ब्लॉग भी अभी आया नहीं, दूसरी बार आ गया। तो आंसू दरअसल इससे पहले भी दवाई के लिए आया था और अब भी दवाई के लिए आया हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीकोट बेस हॉस्पिटल में आंसू तो उसके लिए दवाई लेने। डॉक्टर ने बोला था कि 15-20 दिन बाद आना, लेकिन ये एक महीने बाद आ रहा है। एक महीने से तो ज़्यादा ही हो गया होगा, तो चलते हैं अब श्रीकोट और इसके लिए दवाई लेते हैं, फिर वापस आते हैं जल्दी से। तो एक बार फिर से ना हम श्रीकोट हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और ये है श्रीकोट की पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। तो अब जो है अंदर जाना है और अंदर जाके डॉक्टर को दिखाना है कि क्या जो है अब दवाई कैसी चलेगी, क्योंकि अगर हो सकता है कि दवाई चेंज भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि दवाई जो है वो नहीं हो या कुछ ऐसा। डॉक्टर ये भी बोल सकता है सरप्राइज आपके साथ प्रैंक हुआ है, आपको और दवाई खानी पड़ेगी। हो सकता है, इसीलिए बोला मैंने कि क्या बोलते हैं उसको, दवाई चेंज हो सकती है। हम बोलेंगे डॉक्टर सर सरप्राइज आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो देखिए कैमरा हमारे पास तो कैमरा भी है। तो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से अंदर घुसेंगे और वहाँ से जाएंगे। तो इंतजार के मायने आज पता चलते हैं कैसे होता है। किसके मायने? इंतजार के मायने। तो बहुत सारे लोग लगे हुए लाइन में, जब इतनी लंबी पर्ची कटाएंगे फिर हम डॉक्टर के वहां रुकेंगे, प्रोसेस बहुत लंबी है। चलो यहाँ ऐसा तो नहीं होगा कि डॉक्टर नहीं है। हाँ वही हो सकता। तो हम रास्ता ही भूल गए एक बार फिर से, मतलब वही आ गए। चलो यार इस वाले रास्ते से चले। अरे इधर ऊपर जाने का नहीं, ये देख यही नहीं था। तो हम एक बार ना फिर से भटकने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला नहीं था। हम उस दिन सीढ़ियों से गए थे भाई, यही था, हम सीढ़ियों से गए थे भाई, मुझे याद है। लेकिन ये शॉर्टकट है, ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है, रास्ता भूल गए जब तुम उस दिन भी गए थे। अब देखते हैं मिल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो पूछ देंगे। भाई हम गलत साइड आ रहे भाई, मारना मार। तो दूसरे पे आई है और अभी हमें पता नहीं हम किस फ्लोर पे, लेकिन जा तो रहे हैं। हाँ लिफ्ट पहुंची। ये तो लिफ्ट नहीं थे, 30 रुपए जा रहे हैं। ये तो लिफ्ट नहीं है, ये तो पूरा कमरा है रे भाई। भाई कौन सा पार्ट ऊपर जाएगा। तो अभी हम आए हैं लिफ्ट में, यहाँ पर लिफ्ट देखी तो हमने सोचा इसका भी मजा ले लेते हैं। हम पहले फ्लोर पे हैं रे भाई, मैंने 3 ही दबाया था यार। अच्छा अब जा रही हो ऊपर। अच्छा मतलब उस टाइम पे ढंग से दबा नहीं था बटन। तो काफी बड़ी लिफ्ट लग रही है वैसे। डू नॉट ओवरलोड बियॉन्ड रेट कैपेसिटी। तो जाना है भाई यहाँ पर। तो हम भूल चुके हैं कि हमें कहाँ जाना था, हमने 30 बटन दबाया और हम पता नहीं कहाँ गए हैं। जन दिमागी वाली जगह। अब हम जाएंगे सीढ़ियों से नीचे। सबसे बढ़िया डिसीजन हमें सब मेरा ही होता है। मैंने बोला कि सीढ़ियों से चलते, इसने बोला नहीं लिफ्ट से चलते हैं। चले जी वहां चल रहा लिफ्ट वहां जी। तो दरअसल हमें आधा घंटा हो चुका है और हम एक ही मतलब बार बार घूम फिर के ना उसी गेट पे पहुंच गए भाई। ये तो हम बाहर वाले गेट पे आ गए। उस टाइम से मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। हिंदी में बोलना है यार भाई, अपनी इंग्लिश पहुंचाता है डेंटिस्ट बोली पे। आधे घंटे से ना घूम घाम के फाइनली पहुँच ही गए और मतलब इतना घूमना नहीं हुआ था कि मतलब इतना पता नहीं था कहाँ पे है। बहुत जगह घूमे, काफ़ियों से पूछा, किसी ने गलत जगह बताया, किसी ने सही जगह बताया, लेकिन फाइनली पहुँच गए। यह है स्किन ओपीडी।
यही भी दिखाना है। तो चलो वो पहुँच गया, अब यहाँ से नीचे चलेंगे। तो भाई अब टाइम टू टाइम क्या करें, इतना घूम फिर के फाइनली पहुँच गए, और पहुँच गया ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमने क्या ही हमें मिल गया हो, और वही वाला सीन लग रहा है। तो पता नहीं डॉक्टरों से क्या बोलते हैं, ऐसे इतनी भीड़ थी नहीं जब वो आया था। चलो अच्छा हुआ पहला नंबर उसी का लगा, तो टाइम से पहुंच जाएगा। दवाई का काम पूरा हो गया है, आशुतोष ने दवाई भी ले ली है, और अब आशुतोष निकलेगा, बाकी जो भी अपने काम कुम है वो सारे निपटाएगा। मिलते हैं फिर, बहुत जल्द मिलते हैं, है ना, आराम से जाना, ट्रैफिक पीछे बहुत तगड़ा लग गया, कुछ काम करना, जरा एक दो काम करना। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से जाना, मिलते हैं बहुत जल्द, ओके फिर है।